फिल्म पद्मावत का विरोध करने वाले को समझाने पहुंचे भाजपा विधायक की फिसली जुबान। शहर के लक्ष्मी टॉकीज पर फिल्म पद्मावती को दिखाए जाने का दो दिन से विरोध कर रहे करड़ी सेना तथा हिंदूवादी संगठन के लोगों को समझाने आई भारतीय जनता पार्टी। शहर की लक्ष्मी वाटिका पर फिल्म पद्मावत को दिखाए जाने का दो दिन से विरोध कर रहे करड़ी सेना तथा हिंदूवादी संगठन के लोगों को समझाने आए भारतीय जनता पार्टी की विधायक वीरेन सिंह राणा की जुबान फिसल गई। यहाँ भाजपा विधायक वीरेन सिंह राणा ने आरोप लगाया कि पैसा कमाने के लिए सिनेमा वालों ने हमेशा ही छत्रियों का दुरुपयोग किया है, उन्हें हमेशा निगेटिव रोल में और खलनायक दिखाया है। इतना ही नहीं, भाजपा विधायक इस विवाद में देवी देवताओं को भी खींच लाए। लक्ष्मी टॉकीज में अरे यहाँ ऐसा पता चला था कि पद्मावती के विरोध में कुछ बच्चे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। सिनेमा टॉकीज ने मेरे पास फोन किया, मालिक ने, सरदार जी ने, तो बोले ये कह रहे हैं कि विधायक जी को बिना हम उठेंगे यहाँ से। तो मैंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ चुका है तो माननीय न्यायालय का तो सबको पालन करना चाहिए और इसमें कोई आपत्ति वाली सीन तो सभी कट चुके हैं। वैसे तो सिनेमा वालों ने पैसा कमाने के लिए शुरू से ही छत्रियों का एक दुरुपयोग किया है, हमेशा इनको नेगेटिव दिखाया है पिक्चरों में, इनको एक तरह से विलेन का रोल दिया शुरू से। इनका बस चला पैसा कमाने के लिए तो सीता माता को भी नचा देंगे, दुर्गी माता को भी नचा देंगे। लेकिन अब ले देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो सब सर्वमान्य है, इसका पालन करना चाहिए। आप लोग अब आप पद्मावती पिक्चर का समर्थन करते हैं? अब आप समर्थन नहीं करते, हम अगर भावना आत होती है तो उस चीज़ का किसी का समर्थन नहीं करेंगे हम। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका सम्मान, अपने संविधान सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सम्मान करते हैं तो मतलब पद्मावती का समर्थन करते हैं आप? अब आप कुछ भी समझें, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं।